हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन अवर एसएससी क्लास। आई एम माधुरी भारद्वाज, आई एम एसएससी टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी थे वो हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल के रूप में हमारे इंडिया में आए थे। और ये कब आए थे? 1848 को हमारे यहाँ पर आए थे और गवर्नर जनरल के रूप में आए थे। तो इसके तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत ये एक चीफ इंस्ट्रूमेंट था। किसके लिए था? लॉर्ड डलहौजी के लिए चीफ इंस्ट्रूमेंट था, क्योंकि इसके तहत जो रूलर था, जो भी गवर्नमेंट रूलर था या फिर किसी भी स्टेट का कोई भी पर्सन होगा, यदि उसकी अचानक से डेथ हो जाती है तो उसकी जो स्टेट है वो तब तक किसी भी एडप्ट चाइल्ड को नहीं दी जा सकती है जब तक कि उसका अप्रूवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ना कर दिया गया हो। तो इसके तहत उसने कुछ स्टेट थे जैसे कि सतारा, उदयपुर, नागपुर और संबलपुर और सूरत, इतनी स्टेट को अपने कब्जे में कर रखा था। किसने किया था? ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसके बाद जो स्ट्रक्चर था, एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर था, यदि हम उसको देखेंगे तो जो लॉर्ड क्लाइव जो थे उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। जो ड्यू सिस्टम था, जो दोहरी प्रणाली थी, वो लॉर्ड क्लाइव ने स्टार्ट की थी, परंतु ये कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि इसके तहत जो रिजल्ट वो चाहती थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर उसके बाद में जो वॉरेन हेस्टिंग आए थे, वॉरेन हेस्टिंग ने इसको बंद कर दिया था, पूरी तरीके से ड्यू सिस्टम को बंद कर दिया था। वो भी कितने ईयर्स में किया था? 1772 में इसको बंद कर दिया था। इसके बाद में जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश टेरिटरी थी, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 3 प्रेसिडेंसी में बांट दिया था, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी और सेकेंड बंगाल, देन मद्रास। और जो गवर्नमेंट, जो गवर्नर जनरल था, वो मेन गवर्नर जनरल किसको बना दिया गया था, मतलब हेड बना दिया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन का हेड जो रहेगा वो गवर्नर जनरल रहेगा। और इसके बाद फिर कुछ समय बाद देखा तो फिर इंडिया एक्ट जो था 1784 में ये आया, उसके बाद चार्टर एक्ट था जो 1833 में आया। इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।